Hi everyone, welcome or welcome back to our channel. In a few of my last videos, you guys commented and said we want you to make flaxseeds gel video, जहाँ पर आप कैसे लगाते हो, कहाँ कैसे बनाते हो flaxseeds gel, वो सब कुछ आप हमें बताओ. So today we are going to be doing that, and I hope आप सबके लिए video super helpful रहे. You guys make sure you watch every second of this video. अभी ये मेरे बाल हैं, मैंने 3 दिन से नहीं धोए, अब मैं सीधा flaxseeds gel लगाऊंगी and जो भी time के लिए उसको मैं रखती हूँ रखूंगी. And then we will go wash our hair. To start with, I will show you the process of preparing flaxseeds gel. ये देखो यहाँ पर already तैयारियाँ चालू हो गई है. तो जल्दी से करें, बनाएं. इस process में 4:1 का ratio चलता है, यानी 4 कप आप पानी डालोगे तो आपको 1 कप flaxseeds gel डालने. वैसे आपकी hair length पे भी depend करता है, मतलब आपको कितना बनाना है उस पर भी, पर मैं 1 ही डालती हूँ. मतलब मेरे लिए ये इतना, यानी और डाल इसमें, थोड़ा और डाल, और डाल. मतलब इसको मैं अगर भर लूँ तो मेरे लिए ये काफ़ी है, तो मैं थोड़ा टाइम के लिए स्टोर भी कर लेती हूँ. मैं 1 वीक के लिए स्टोर कर लेती हूँ, इससे ज़्यादा मैं स्टोर नहीं करती. मुझे लगता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड कोई भी चीज़ होगी ना तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी. सो या दैट्स हाउ आई डू इट. ये गया पहला कप, अब जाएगा दूसरा. मैंने यहाँ पर मटके में से पानी लिया है, बट वो मटके का पानी भी मैंने आर ओ से भरा था. तो मेक श्योर आप आर ओ का पानी लो, आपके बालों के लिए ज़्यादा अच्छा होगा. एंड आ ये हमने लगाया यहाँ. नाउ यू हैव टू वेट टिल द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, एंड उसके बाद हम ये फ्लेक्सीड्स जो है इसके अंदर डालेंगे. हमारा पानी बॉइल होना स्टार्ट हो गया है, तो इसमें हम ऐड करेंगे ये फ्लेक्सीड्स, और अब हम इसको ना ऊपर से ढक देंगे. अब मैं इसको ढक दूंगी, से थोड़ी सी हवा पास होने दूंगी, और इसको हमें घड़ी में देख के 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ना है. उसके बाद में वो जेल वाला टेक्सचर आना चालू हो जाएगा. तो हम करते हैं वेट. तो यहाँ पर मैंने गैस ऑफ कर दी है, और ये आप देखो, इधर आओ, ये आपको जेल जैसा टेक्सचर ऑलरेडी दिख रहा है. तो आपको गैस बंद कर देनी है जैसे मैंने की. हाथ मत डाल लेना, बहुत ज़्यादा गर्म है ये, बट जेल बन गया. तो अभी हमारे पास मलमल का तो कपड़ा नहीं है, लेकिन ना इससे भी हम करेंगे तो ये इजीली निकल जाएगा. हमने हल्का सा इसको ठंडा किया है, अब ऐसा स्क्वीज करेंगे तो ये निकल जाएगा. देखो निकल गया, निकल गया, अच्छे से निकल गया. देखो बड़ा हाथ नहीं अड़ाना, बहुत गर्म है. कोई बात नहीं, चाहे वो जल जाए कोई दिक्कत नहीं है. घर पे तो ना मम्मी उससे निकाल देती थी फट से ऐसे करके. ये थोड़ा सा मैसी काम है, लेकिन इट वर्क्स रियली नाइस फॉर योर हेयर. शाइन बहुत अच्छी आती है आपके बालों में. इसके अलावा बालों के बाल कई बार ना ड्राई हो जाते हैं, जैसे मैंने बताया था अपने लास्ट वीडियो में, मेरे बाल ड्राइनेस की और फ्रिजनेस की वजह से टूटने लगे थे, वो इस चीज़ से बहुत कम हो जाता है. दैट्स व्हाई आई लव इट. तो अब क्या है, ये पूरा जो है ठंडा हो चुका है, तो अभी मेरे हाथ में आने लग गया है. मैं इसको ऐसे लूँगी, ये मैंने लिया और ये डाल दिया इसके अंदर, और मैं लगाने वाली भी हाथों से ही हूँ, क्योंकि उससे मुझे लगता है कि थोड़ा अच्छा एप्लीकेशन आता है रादर देन कोई बॉटल में डाल के लगाने से, क्योंकि ये जेल फॉर्म है ना. तो गाइस ये आपको फेमिलियर नहीं होगा वॉशरूम, ये एक्चुअली हमारे पेंट हाउस के ऊपर वाले एरिया का है. अभी मैं ये लूँगी. देखो मैंने ना ऐसे ही छोटा वाला टावल लगा लिया है ताकि मेरे कपड़ों पे ज़्यादा ना जाए. ये मैंने लिया एंड डायरेक्टली लगाया अपनी रूट्स पे. रूट्स में नीचे मत गिरना यार, इसकी ये चीज़ बहुत दिक्कत है, ये ना फट से नीचे गिरता है. इट्स प्लेफुल ऑल्सो, बट ओनली इफ यू आर रेडी टू गेट डर्टी. मैंने अच्छे से अपने बालों में लगाया, मैंने लिया बालों के रूट्स में, अच्छे से आपको लगा देना है. जैसे इस तरीके से आप ऐसे करके ये पूरा ले सकते हो, एंड अब आप फोकस करोगे अपने लेंथ पर. इस तरीके से बालों में बहुत अच्छी शाइन आएगी. बाल आपके जो ड्राइनेस से जिसको टूटते हैं, जैसे मेरे को तो बहुत ही प्रॉब्लम थी, वो भी ये कम करता है. बालों में बहुत अच्छा हाइड्रेशन मॉइस्चर ये लॉक करता है. एक्चुअली देखो मैं एंड्स पे लगाऊंगी, मेरे एंड्स बहुत ही बुरे हैं. मैंने गिरा रही हो, ओके. तो मैंने बालों में अच्छे से यार मेरे ना नेल्स में अटक रहा है ये, बालों में अच्छे से लगा लिया है, रूट्स पर भी जितनी मुझे ज़रूरत थी. और अब क्योंकि टावल की हमें ज़रूरत नहीं है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं. आप और हल्का सा इस तरीके से लेके और ऊपर ऊपर भी
लगा लो। ये हमारा अच्छे से लग चुका है। अब मैं इसको 20 से 30 मिनट यानी 20 मिनट आधे घंटे तक मैं इसको रखूंगी, और उसके बाद में मैं वॉश करने के लिए जा रही हूँ संजीव भैया के पास, क्योंकि आज मैं थोड़ी ज्यादा लेट हो गई हूँ एंड उसके बाद मुझे शूट्स भी है करने हैं। एंड जैसे आप इजिली, जैसे अगर देखो आपका वॉश डे है तो आप शैम्पू कर लो, अगर वॉश डे नहीं है तो आप नॉर्मली पानी से भी धो लोगे ना तो भी निकल जाएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा निकालने में क्योंकि ये जेल है, बट निकल जाएगा। एंड उसके रिजल्ट्स मैं आपको अब दिखाऊंगी बाद में। जेल आप देख सकते हो पूरा सूख गया है, और अब मैं जा रही हूँ सजीव भैया के पास, और मेरे साथ आज सूरज भी जा रहा है। ये देखो, हमेशा अलग जाता है, आज मेरे साथ जा रहा है। तो अब होगा मेरा हेयर वॉश, और आज बंटी को थोड़ी प्रॉब्लम होगी मेरे बाल धोने में। और ये देखो हमारे संजीव भैया क्या बोल रहे हो? सांस खींच के। अच्छा, सांस खींच के। अरे आपको क्या जरूरत है, आप तो इतने हेल्दी हो। नहीं, अभी थोड़े से एक्सरसाइज चालू वापस हुई है। हाँ यार, हमें भी करनी है। आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वो करना पड़ेगा क्योंकि इसमें फ्लेक्सीज। देखो पहले सिर्फ पानी से रिंस करके और बालों को लूज कर रहे हैं, ताकि जब हम लोग एक अगर डायरेक्टली शैम्पू लगा दिया ना तो चांसेस है कि वो ढंग से निकलेगा नहीं, इसलिए पहले रिंस करेंगे। वॉश हो चुका है और हमने माइल्ड शैम्पू से अच्छे से धो दिया सब कुछ, एंड देखो सारा जेल, पूरा जेल निकल चुका है। एंड ईजिली आप घर पे भी कर सकते हो। मुझे एक्चुअली शूट करना था, इसलिए मुझे यहाँ आना ही था। सो यस, अब वी हेड ऑन टू ड्राइंग। सूरज अपना हेयर कट ले रहा है, और अभी आप देख सकते हो मेरे बालों में शाइन भी बहुत अच्छी है, एंड वैसे भी बहुत हेल्दी एंड बहुत अच्छा लग रहा है। एकदम सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट। देखो कोई ड्राइनेस नहीं, कुछ नहीं, एक बार में पूरा हाथ निकल गया। ये देखो, अब ये क्या है, मेरे ज़्यादा ही इस हाथ से लंबा बाल जा रहा, तो मैं इससे निकाल नहीं सकती। बट दीज आर द रिजल्ट्स। देखो एकदम पुत्रा, जैसे कि सिल्की हेयर, ब्राइट शाइनी, सब कुछ हो गया। जेल की सबसे ज्यादा खास बात यह है कि बालों को ना एकदम सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट कर देता है, जिससे मेरी जो प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा फ्रिजीनेस, वो बहुत सही तरीके से टैकल हो जाती है। सो यस, यू कैन ट्राई इट आउट। तो ये मैंने अपना पूरा जो मेरा रूटीन रहता है व्हेन आई अप्लाई फ्लेक्सीड्स, आज मैंने आपसे शेयर किया है, एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा।